हरे कृष्ण मित्रों, पिछले श्लोक में हमने सुना कि कैसे भीष्म पितामह ने सिंह गर्जना जैसी ध्वनि उत्पन्न करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया। तत्पश्चात कौरव सेना ने अलग अलग वाद्य यंत्र बजाकर युद्ध के आरंभ होने का संकेत दिया। आइए अब सुनते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 14वां श्लोक। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति संदने स्थितो माधवः पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मति। तत्पश्चात पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले एक शानदार रथ में बैठे माधव और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कौरव सेना का कोलाहल कम होने लगा था, तब पांडव पक्ष की ओर से भव्य रथ पर आसीन परम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने अपने अपने शंख बजाए, जिससे पांडव सेना का उत्साह और भी बढ़ गया। यहाँ संजय ने भगवान श्री कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया है। यह दो शब्दों का मेल है। माँ जो समृद्धि की देवी देवी लक्ष्मी को संदर्भित करता है और पति के लिए धव का उपयोग किया जाता है। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो श्री कृष्ण के कई रूपों में से एक है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि समृद्धि की देवी पांडवों के साथ थी और उनकी कृपा से वे इस युद्ध में विजयी होंगे और जल्द ही अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लेंगे। राजा पांडु के पुत्रों को पांडव कहा जाता है और इसका उपयोग पांच भाइयों में से किसी के लिए भी किया जा सकता है। इस श्लोक में पांडवों का उल्लेख पांचों में तीसरे अर्जुन के रूप में किया गया है। वह एक पराक्रमी योद्धा और श्रेष्ठ धनुर्धर था। उसका भव्य रथ अग्नि के आकाशीय देवता अग्नि का उपहार था। हरे कृष्णा।